यार एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछो। कल को अगर मैं मर गया क्या तुम दूसरी शादी करोगी? हाँ। क्या? हाँ मतलब 13वीं तक तो नहीं करूंगी, पर 13वीं के बाद में ढूंढना चालू कर दूंगी। अच्छा। और जैसे मुझे कोई लड़का मिल जाएगा मैं तुरंत शादी कर लूंगी। कहाँ रहोगी उसके साथ? अब तुम्हारे मरने के बाद तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, तो यहीं पे रह लूंगी। तो अच्छा, अगर तुम दूसरी शादी कर लोगी फिर सोओगी कहाँ पे? घर पे एक ही बेड है तो बस वहीं पे सो जाऊंगी। और जो मेरे अलमारी में कपड़े रखे हैं वो भी उसे दे दोगी? कपड़े फेंकने से तो अच्छा है उसी के काम आ जाएंगे, अगर उसके आ गए तो वो पहन लेगा। एक बात ना कान खोल के सुन लो, जो मेरी विस्की की बोतल है ना वो किसी को मत देना, जब मैं मरूंगा ना तो मेरे साथ जला देना। नहीं अगर वो तुम्हारे जैसा नहीं निकला तो उसके साथ बैठ के पी लूंगी। लेकिन मैं तो पीता हूँ ना। अरे पर मुझे तो नहीं पीने देते ना। मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे गम में रोती रहूं, सफेद साड़ी पहन के बैठी रहूं? वो है ना पहले के जमानों में होता था, आजकल कोई नहीं होता। और वैसे भी है ना मेरे को भी लाइफ पार्टनर चाहिए, मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकती, तो तुम्हारे जाने के बाद में मैं भी शादी करूंगी। अच्छा तुम्हें एक बात का पता है, मैं ये सारी बातें तुमसे क्यों पूछ रहा था? क्यों पूछ रहे थे? वो हमने कुछ दिन पहले फुल बॉडी चेकअप करवाया था ना, तो उसकी आज रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ना तुम्हारे दिल में छेद बताया है। अब तुम कुछ दिनों की मेहमान है और तुम जाने वाली हो यहाँ से, और फिर मैं दूसरी शादी करूंगा। अरे 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 ये क्या हुआ? अरे 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 उठ जाओ। अरे सुनो, चलो बला टली मेरी, दूसरी शादी करने वाली थी है, अब मैं करूंगा दूसरी शादी। अब तुम ऊपर जाके यमराज को जाकर मेरा हेलो बोलना, और मैं करूंगा यहाँ पे मजे, दूसरी के साथ बैठ के विस्की पिया करूंगा। ऐसे कैसे मजे लोगे, चुपचाप से नीचे जाओ और जाके चाय बनाओ, अभी तुम्हारा पीछा भी छोड़ने वाली। जा रहा हूं। जब तक मैं नीचे आऊँ ना चाय बना के तैयार रखना, और इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलो निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ ना। पता नहीं कब तक छोड़ेगी।